और इसका डीजल पेट्रोल जो लगभग चार रुपये और 3.5 रुपये बढ़ गया है, पेट्रोल लगभग 4 रुपये के और डीजल 3.5 रुपये के। और मध्य प्रदेश की सरकार ने दोनों पे एक एक रुपया और एक्स्ट्रा बढ़ाया है। वेट टैक्स में जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो वेट टैक्स में ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। एक तरफ लोगों के पास रोजगार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था कि जो उद्योगपति हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो मजदूरों को पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे जिस समय लॉकडाउन था, लेकिन केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी कि जिसने पहले नोटिफिकेशन दिया था मार्च में, 25 मार्च को, कि एम्प्लॉयर्स को देना पड़ेगा, बाद में उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये उद्योगपतियों पे है। इसका मतलब उन मजदूरों को जो काम करते थे उनको पैसा नहीं मिलेगा। एक तरफ ये मार, ये मध्य प्रदेश में और देश में, और दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल के भाव की वृद्धि, जबकि क्रूड ऑयल जो लगभग मार्च में जब लॉकडाउन नहीं होता 60 रुपये बैरल, $60 बैरल था, वो आज की तारीख में $30 पर बैरल, तो आधा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी होना चाहिए आज की तारीख में, जिसको सरकार ने बढ़ा दिया है। निश्चित तौर पर ये आम आदमी के पॉकेट से पैसा छीनने जैसा है, सीधा सीधा पैसा छीना गया है।